हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। और हाजिर है आपका भाई एक नई वीडियो के साथ। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप किसी का मैसेज सीन भी कर लोगे, लेकिन उसको ब्लू टिक नहीं दिखेगा कि आपने उसका मैसेज देखा है। और ये होगा कैसे, आपको इस वीडियो में पूरा आपको मिलेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तब जा करके आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि होता है ना, कई बार आप किसी का मैसेज देखना नहीं चाहते हो, या आप कहीं बिजी रहते हो, कोई भी कारण से आप किसी का मैसेज मान लो कि आप देखना चाहते हो, देख लो और उसको पता भी ना चले कि आपने उसका मैसेज देखा है। तो आपको ये होगा कैसे, आपके व्हाट्सअप में ही ये सारा सेटिंग मिलेगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलिए, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको फटाफट लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। वहीं पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी का मैसेज देख भी लोगे लेकिन ब्लू टिक नहीं लगेगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो आप ये ब्लू टिक को हमेशा के लिए आप ऑफ कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हो। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहां पे अपना व्हाट्सएप को ओपन कर लोगे तो आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको ऊपर में ही सेटिंग मिल जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको लास्ट में दिखेगा सेटिंग्स का एक ऑप्शन, तो आपको उस पे क्लिक करके, सेटिंग्स पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा फंक्शंस खुल के आ जाएगा जिसमें बहुत सारा सेटिंग आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, प्राइवेसी पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपको रेड रिसिप्ट्स पे क्लिक कर देना है, इसको ऑफ कर देना है। अब क्या होगा, इसको आपने अभी ऑफ कर दिया, इसके बाद अब आपको कोई भी मैसेज करेगा उसका मैसेज आप सीन भी कर लोगे ना, तो उसको ब्लू टिक नहीं दिखेगा कि आपने उसका मैसेज देखा है। आप ये सेटिंग यूज करके, आप बिजी आप रहते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, तो आप चाहते हो कि किसी का मैसेज मैं देख लूँ लेकिन सामने वाले में ब्लू टिक ना दिखे कि ये मेरा मैसेज देखा है, तो आप इसको ऑफ करके इस तरीके से आप उसको ब्लू टिक को हमेशा के लिए ऑफ कर सकते हो। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसको हटाना है, तो फिर से आपको सेम वही तरीके से सेटिंग में आ जाना है और इसको ऑन कर देना है। इसके बाद क्या होगा, अब किसी का भी मैसेज आप देखोगे तो वहां पे ब्लू टिक लग जाएगा, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने उसका मैसेज को सीन किया है। तो आप इस तरीके का यूज करके आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मैसेज पढ़ सकते हो, देख सकते हो, तो आप इसको ऑफ करके आप उसको हाइड कर सकते हो ब्लू टिक को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसको ऑफ भी कर दिया होगा। और आप क्या है कि अब किसी का मैसेज देखोगे ना तो उसको डबल टिक ही दिखेगा, ब्लू टिक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा जब तक आप इसको ऑफ करके रखोगे। फिर आपको जैसे कि आपको ब्लू टिक दिखाना है, फिर आप इसको ऑन कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे तो सामने में किसी का भी आपका ब्लू टिक वहां पे दिखेगा कि ये मेरा मैसेज देखा है। तो अब जाकर के आप देखो, ट्राई करके और यूज करो कि आपको कैसा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को कर देना लाइक, और साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।